गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेंटल प्रोडक्ट। सभी को पता है कि डेंटल प्रोडक्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो टीथ के लिए हम डेंटल प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो प्राइमरी इसमें आपको सभी को पता है कि सुबह उठ के हम ब्रशिंग करते हैं, दैट इज द फॉर द क्लीनिंग ऑफ द टीथ। तो ये पर्टिकुलर एक पता है। दूसरा, आजकल हमने बहुत सारे एडवर्टाइज देखे हैं जिसमें डिसेंसिटाइजर एजेंट बोलते हैं, कोलगेट डिसेंसिटाइजर का एक ड्रग कोलगेट पेस्ट आता है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप आइसक्रीम वगैरह नहीं खा पा रहे हैं तो अगर आपको कोलगेट डिसेंसिटाइजर से अगर ब्रशिंग करते हो तो आप आइसक्रीम वगैरह खा सकते हो। तो वो क्या है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ में एक नया एडवर्टाइज आता है कोलगेट शाइनिंग करके, जिसमें उन्होंने बोला है कि आपके जो टीथ एकदम व्हाइट रहेंगे, कोलगेट व्हाइटनेस करके एक एडवर्टाइज आता है, तो उसमें आपके टीथ का जो शाइनिंग है, व्हाइटनेस है, वो इंक्रीज होता है। तो ये क्या करता है, जो टीवी एक्ट्रेस है सभी वो टीथ के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं वेरियस, फॉर द क्लीनिंग ऑफ द टीथ, फॉर द पॉलिशिंग ऑफ द टीथ, देन साइज एंड शेप देने के लिए। तो ये सभी रिलेटेड क्या है, मेडिसिनल प्रोडक्ट है। जो भी पर्टिकुलर टीथ के डिसीज और डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए जो हम मेडिसिनल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दीज आर द डेंटल प्रोडक्ट। तो प्राइमरी इसमें हम टीथ का एक डायग्राम हम देख लेते कि टीथ कैसा होता है। तो टीथ को जो हमारा आउटर सर्फेस हमको जो दिखता है, दैट इज इनामल, ठीक है, जो जिसके बीच में वो फंसा रहता है, जिसको हम गम बोलते हैं। देखिए, ये जो कैविटीज है जिसमें वो टीथ हमारे फंसे रहते हैं, दैट इज द गम। गम को सपोर्ट करता है बोन पार्ट, ठीक है। ये उसके ऊपर जो हमने सबसे ऊपर का जो लेयर देखा है, दैट इज द इनेमल। इनेमल लेयर इज अ वेरी व्हाइटिंग एंड शाइनिंग लेयर। अगर आपने चिल्ड्रंस की देखी होंगी तो बहुत ही व्हाइटिश दिखते हैं टीथ, जैसे जैसे वेज ग्रो होता है और जो बूढ़े हो जाते हैं दादा नाना, उनके टीथ के ऊपर एक येलोइश कलर का लेयर आता है। क्यों? कि जब जो भी फूड या मटेरियल डाइट हम जो लेते हैं उसकी वजह से और डेली ब्रशिंग की वजह से जो फ्रिक्शन होता है, तो ये इनेमल की लेयर निकलना स्टार्ट होती है, तो जो व्हाइटनेस है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए इनेमल इज अ व्हाइटनिंग, इट शोज द क्राउन, जिसको हम क्राउन ऑफ द टीथ भी बोल सकते हैं, इट शोज द व्हाइटनिंग प्रॉपर्टी। देन रहता है डेंटिन। डेंटिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो टीथ को स्ट्रॉन्गर बनाता है और हार्डर चीज को ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। डेंटिन में बहुत सारा स्ट्रॉन्गनेस, कैल्शियम और फॉस्फेट रहता है, जिसकी वजह से कुछ भी चीजें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर इनामल की लेयर अगर आपको निकल जाती है, तो डेंटिन में अगर लेयर ओपन होती है, तो देयर आर द सम सेंसिटिविटी इन योर टीथ, ठीक है। देन अगर डेंटिन की लेयर अगर ब्रेक होती है, देयर इज अ सीवियर पेन इन अ टूथ रूट। डेंटिन के बाद जो लेयर आती है जिसको प्लम भी बोलते हैं, और यहाँ पर टूथ रूट रहता है, मतलब ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसके जो न्यूरॉन्स है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। अगर डेंटिन अगर आपका ब्रेक होता है, तो वहां पे आपको सीवियर पेन रहता है, तो उसमें फिर आप क्या करते हो, आपने सुना होगा कि कैविटीज हुई है तो कैविटी क्लियर किया, वापस सीमेंट भरा, सोना चांदी भरा, ऐसे बोलते ना दांत में सोना चांदी भरा है। तो ये क्या है कि अगर आपका डेंटिन अगर ब्रेक होता है, तो डायरेक्ट सेंसिटिविटी रूट से होती है और उसमें आपको सीवियर पेन होता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। इसलिए वो ब्रेक को क्योर करने के लिए हम वहां पे सीमेंट या सोना या चांदी जैसे एज पर द कन्वीनियंट डॉक्टर हमको सजेस्ट करता है वो फिल करते हैं, सिरेमिक भी फिल करते हैं, ठीक है। या अगर वैसे नहीं करना है आपको, तो आप क्राउन लगा सकते हो। क्राउन में मतलब आर्टिफिशियल क्राउन मिलता है जो इनेमल की जगह पे आपके टीथ को कोट करता है, और कुछ भी ठंडा या गर्म वहां पे सेंसिटिविटी नहीं रहेगा। तो दांत से रिलेटेड आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे होंगे, ठीक है, आपके दांत टूट जाते हैं, कभी कभी बच्चों के दांत नहीं आते, येलोइश कलर आया है, या कैविटीज हुई है, तो उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं सम डेफिनेशन। सबसे पहले क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट मतलब आपने सुना होगा ओल्ड वन क्या करते थे, कोलसा जो रहते हैं, कोल चारकोल, उसको ब्रेक करके घिसते थे। इट हैविंग सम ऑफ द एब्रेसिव प्रॉपर्टी। फिर कुछ सालों के बाद कोलगेट का पाउडर आया। नाउ अ डेज इट इज अवेलेबल इन अ पेस्ट इन अ वेरियस कंपनी। वेरियस कंपनी का अलग अलग पेस्ट है, जो अलग अलग कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट की कुछ एडवर्टाइज करती है कि इसमें नींबू का फ्लेवर है, इसमें नमक है, इसमें बबूल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सभी सम ऑफ द एब्रेसिव प्रॉपर्टी का है, विद हैविंग सम ऑफ द फ्लेवरिंग एजेंट, सम ऑफ द फोमिंग एजेंट, और वो हम ब्रशिंग करने के लिए यूज करते हैं डेली बेसिस पे। वैसे तो ट्वाइस अ डे ब्रशिंग करना चाहिए, तो वो है क्लीनिंग एजेंट। तो क्या है क्लीनिंग एजेंट, अ एजेंट विच हैव अ सैटिस्फैक्टरी एब्रेसिव प्रॉपर्टी। क्या बोला है, एब्रेसिव प्रॉपर्टी होना बोला है, टू रिमूव द स्टेन फ्रॉम अ टीथ, स्टेन रिमूव करेगा। एब्रेसिव प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए, जब हम ब्रशिंग करेंगे तो वो जो एब्रेसिव मटेरियल, एब्रेसिव मतलब खुरदरा दानेदार जैसे नमक रहता है, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन होने की वजह से जो स्टेन और जो फूड मटेरियल आपके टीथ को स्टिक हुआ है, इट विल बी रिमूव। तो एब्रेसिव प्रॉपर्टी में मैक्सिमम
डायबेसिन एंड ट्राइबेसिन कैल्शियम फॉस्फेट कंटेनिंग आपके टूथपेस्ट होने चाहिए, क्योंकि उस तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट आपके बोन्स को मिल सकता है। अगर आप घर पे देखते हो तो आपके जो पेस्ट है उसमें कंटेंट में सम ऑफ देयर ट्राइबेसिक और डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। देन इज द पॉलिशिंग एजेंट। पॉलिशिंग एजेंट इज द डिफरेंट, हम डेली बेसिस पे पॉलिशिंग एजेंट नहीं यूज करते। जिनके दांत येलोइश है डॉक्टर हमको सजेस्ट करता है कि पॉलिशिंग एजेंट यूज करो, ठीक है। नाउ नाउअडेज कोलगेट व्हाइटनिंग करके एक आया है जो ओनली शाइनिंग के लिए यूज होता है। क्लोजअप की भी वैसी एडवर्टाइज है कि अगर हम करते हैं तो आपका जो माउथ फ्रेशनर है वो भी एनहांस हो जाएगा और साथ में शाइनिंग टीथ आई है। तो वो क्या है, एन एजेंट विच हैव एब्रेसिव प्रॉपर्टी, एब्रेसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन फॉर द पॉलिशिंग क्लीन टीथ। किसके लिए, पॉलिश करने के लिए, किसको, क्लीन टीथ के लिए। डर्टी टीथ को पॉलिश करेंगे क्या, नहीं, डर्टी टीथ को पहले क्लीनिंग करेंगे, रिमूव द स्टेन फ्रॉम द टीथ करेंगे एंड देन विल बी अ पॉलिश टीथ, राइट। उसमें प्यूमिक्स नाम का जो केमिकल एजेंट्स है वो यूज करता है फॉर द व्हाइटनिंग ऑफ द टीथ, ठीक है। नेक्स्ट जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं दैट इज द डेंट्रिफाइसिस। अब ये डेंट्रिफाइसिस इज नन अदर देन अ क्लीनिंग एजेंट। डेंट्रिफाइसिस क्या है, क्लीनिंग एजेंट ही है। सिंपल, आपके घर में पेस्ट आता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप रामदेव बाबा का पेस्ट यूज करते हो तो उसमें टेस्ट आएगा क्या, अच्छा नहीं, चिल्ड्रंस यूज नहीं करेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो टेस्ट आना चाहिए, मतलब फ्लेवर्स आने चाहिए। देन सोप होना चाहिए, अच्छे से झाग आना चाहिए। अगर झाग नहीं आएगा, फोमिंग नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे कि कैसा है पेस्ट, हम यूज नहीं करेंगे। साथ में वो मॉइस्ट रहना चाहिए, उसमें सम ऑफ द लिक्विड होना चाहिए। पूरा ड्राई पाउडर आप यूज करते हो क्या, ड्राई पाउडर आजकल कोई यूज नहीं करता, इसलिए पेस्ट यूज कर दो। सिंपल, अगर देखो कोलगेट या पेप्सोडेंट का अगर ट्यूब का अगर आपने ढक्कन भी ओपन रखा दो तीन दिन तक, तो ऊपर का जो कोट है वो ड्राई होता है, ठीक है। इट हैविंग द सम ऑफ द लिक्विड्स, देन फ्लेवर्स की बात की, देन थिकनर ऑल्सो। थिकनर मतलब अच्छा पेस्ट बनना चाहिए। लिक्विड वाला रहेगा तो आप एकदम से यूज कर पाओगे क्या, नहीं, वो गिर जाएगा। वो आपके ब्रश के ऊपर बराबर से थिकनिंग की जैसे एक कोट क्रिएट होना चाहिए, ताकि आप ब्रशिंग करोगे तो वो अपने मुंह से ज्यादा लिक्विड अगर आएगा तो आप उसको थूक दोगे। तो प्रॉपरली थिकनेस भी मेंटेन करना चाहिए। तो इसीलिए ये डेंट्रिफाइसिस में ये पूरा का कॉम्बिनेशन। तो डेंट्रिफाइसिस क्या है, तो ये एक पर्टिकुलर नॉर्मल पेस्ट ही है जो हैविंग अब एब्रेसिव प्रॉपर्टी, जिसमें एब्रेसिव प्रॉपर्टी रहेंगी और क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे। लेकिन उसमें क्या क्या मटेरियल रहेगा वो यहाँ पे डिटेल में दिया है, देखिए पढ़िए। इट इज द सब्सटेंस यूज फॉर द क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ। ऑलरेडी मैंने बताया है डेंट्रिफाइसिस इज नन अदर देन द क्लीनिंग एजेंट जो यूज होता है टू क्लीन द सरफेस ऑफ द टीथ। बट इट हैविंग क्या क्या है उसमें, दे कंटेन कोला, दे आर अवेलेबल, ओके, दे आर अवेलेबल इन द पेस्ट एंड पाउडर फॉर्म, ओके। वो कैसे अवेलेबल रहेगा, डेंट्रिफाइसिस तो क्लीनिंग एजेंट है तो कैसे अवेलेबल रहेगा, एक तो पेस्ट में रहेगा या पाउडर, जैसे मिठो का मंजन आता है, लाल रंग मंजन आता है, ठीक है, और रामदेव बाबा का भी कुछ एक मंजन आता है, या पेस्ट में भी अवेलेबल है। तो इट इज अवेलेबल इन द बोथ फॉर्म, द पाउडर एंड द पेस्ट। देन उसमें क्या क्या है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सोप एंड फ्लेवर्स है। उसमें अच्छे से झाग भी आता है और हैविंग सम ऑफ द फ्लेवर। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वेरियस कंपनी के जो डेंटल प्रोडक्ट्स है इट हैविंग अ डिफरेंट टेस्ट, और वो डिफरेंट टेस्ट से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो इट हैविंग अ फ्लेवर, देन एब्रेसिव प्रॉपर्टी होना जरूरी है क्योंकि इट हैविंग अ क्लीनिंग पर्पस टू रिमूव द स्टेन। बट एब्रेसिव लाइक कौन से एब्रेसिव है, लाइक हमने बोला है कैल्शियम फॉस्फेट रहने वाला है, ऑलरेडी क्लीनिंग एजेंट में रहता है, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे एब्रेसिव प्रॉपर्टीज रहेंगे या एब्रेसिव रिएजेंट रहेंगे। देन लिक्विड रहेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया कि वो मॉइस्ट रहेंगे, उसमें सम ऑफ द लिक्विड, तो क्या लिक्विड रहेंगे, ग्लिसरीन रहेगा और सॉर्बिटॉल रहेगा। इसकी वजह से इसको इसमें सम ऑफ द स्वीटिंग टेस्ट आएगी। तो ये क्या होगा, हम चिल्ड्रंस को भी यूज कर सकते हैं, ऑल द फैमिली मेंबर्स शुड बी यूज। अगर उसमें कड़वापन रहेगा तो बच्चे यूज कर पाएंगे क्या, नहीं, इट विल बी रेस्टिंग फॉर द कस्टमर ऑल्सो। तो हर एक के लिए अलग अलग पेस्ट तो खरीद नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसा पेस्ट हमको बनाना है कि जो सब फैमिली भी यूज कर सके, हमारा अच्छा सेल भी हो सके और कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। तो इसलिए उसमें ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटॉल रहता है जो मॉइस्टनेस प्रिकॉर करता है पेस्ट में, और इट हैविंग अ सम ऑफ द टेस्ट ऑल्सो। देन वाटर और अल्कोहल ये सेकेंडरी है, ठीक है। देन थिकनर्स, ऑलरेडी मैंने बताया कि जो पेस्ट है ये तो सब डाल देंगे हम, लेकिन वो सेमी सॉलिड तो बनना चाहिए ना, इसलिए थिकनर लाइक अस्ट
पाउडर है। इसमें कौन सी चीजें रहती हैं? चार या पांच चीजें रहती है क्या? सोप रहता है, फ्लेवर्स रहते हैं, एब्रेसिव मतलब कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, लिक्विड मतलब ग्लिसरीन सॉल्टम रहता है एंड थिकनर मतलब स्टार्च और ट्रैक रहता है। तो इसे पांच पॉइंट्स का जो ड्रग है या जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है दैट इज द डेंटिफ्राइसेस व्हिच इज यूज फॉर द क्लीनिंग द टीथ। ओके, ये डेफिनेशन हमारे एनएसबीटी एग्जाम में आती है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इज द डी सेंसिटाइजर। अब ये डी मतलब क्या है? डी मतलब है डिक्रीज और सेंसिटाइजर मतलब सेंसिटिविटी। सबको पता है अगर आपने इतना बड़ा आइसक्रीम का गोला लिया और मुंह में डाला तो आपके टीथ को भी सम ऑफ द सेंसिटिविटी रहेगी, राइट? सबके टीथ में होती है, बट जो एकदम चिल्ड्रन रहते हैं या जो एडल्ट रहते हैं हैविंग अ मोर सेंसिटिविटी, जिनके दांतों में ज्यादा सेंसिटिविटी है वो सेंसिटिविटी को कम करने का काम करता है डी सेंसिटाइजर। आपने एडवर्टाइज में देखा होगा, बोले के डी सेंसिटाइजर के एडवर्टाइज देखिए यूट्यूब पे या चैनल पे, उन्हें बोला है ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म दोनों के वजह से हमको टीथ में सेंसिटिविटी रहती है, इसीलिए हम कोलगेट डी सेंसिटाइजर हमने बोला है। यहाँ में हम बोलेंगे डी सेंसिटाइजर यूज करेंगे दैट रिड्यूस द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ। देखिए टीथ आर जनरली सेंसिटिव टू द हीट एंड कोल्ड, ऑलरेडी मैंने बताया है। किससे सेंसिटिव रहेगा? एक तो ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा। डी सेंसिटाइजर क्या करता है? आर द एजेंट विच डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ। इंपॉर्टेंट है डी मतलब डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी किसकी? ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एज अ डी सेंसिटाइजर। ओके, द एक्ट एज अ लोकल एनेस्थेटिक, उन्होंने बोला है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेंसिटिविटी ड्रॉप आउट हो जाती है, इसलिए आप कुछ भी ठंडा या गर्म खा सकते हो। एंड द ड्रग आर द सोडियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अच्छे से याद रखिए देयर इज अ क्लोराइड, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में एंटी कैविटीज पढ़ने वाले हैं। सेम एग्जाम्पल इसलिए याद रखने के लिए बोल रही हूँ। क्लोराइड इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रोंटियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड इज द ड्रग यूज फॉर द डी सेंसिटाइजर। ओके, आज के लेक्चर में हमने चार डेफिनेशन देखी है, क्लीनिंग एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट, डेंटिफ्राइसेस एंड डी सेंसिटाइजर। ओके,